नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बताया कि कोरोना के मामले में हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में सिंगल डिजिट में मात्र 7 नए केस आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 11,62,62,602 लगाए जा चुके हैं। वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर बोला कि संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया। अब आप देखो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी वही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं और कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री के दौर में भी वही हैं। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी 77 साल के होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना के 7 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 19 है। 7 मतलब हम डबल डिजिट से भी नीचे आ गए, हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं है। कल भी जो हमने वैक्सीन की है वो 1,10,481 लोगों को की है। एक्टिव केस कुल 82 बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.10 हो गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,62,62,602 लोगों को वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर लगा है। सर, मध्य प्रदेश में नेतृत्व में 2003 से चुनाव लड़ा जाएगा और सभी नेता मौजूद थे, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, नारा नेता थे, सब मौजूद। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही हैं, नेता प्रतिपक्ष वही हैं और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।